1880 के दशक में जब जमशेद जी टाटा ने एक सपना देखा भारत का खुद का स्टील प्लांट, तो दुनिया हंसी। खास तौर पर अंग्रेज, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारतीय ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। पर ऐसा हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक बनी। लगभग 100 साल बाद ऐसा ही एक सपना और देखा गया, एक कंप्लीट भारतीय कार बनाने का। ठीक सुना आपने, 1990 तक भारत स्पेसक्राफ्ट और मिसाइलें तो बना चुका था, मगर देश के पास एक ऐसी कार नहीं थी जिससे वो पूरी तरह से इंडियन कह सके। तो ये बीड़ा उठाया रतन टाटा ने और इसे पूरा भी किया। आज आपको इसी सपने यानी पहली भारतीय कार इंडिका के बनने की कहानी सुनाते हैं। रतन टाटा ने 1995 में इस मिशन पर काम शुरू किया। तब तक वे टाटा ग्रुप और टाटा मोटर्स के चेयरमैन भी बन चुके थे। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो जेन की साइज की, एम्बेसडर जितनी अंदर से स्पेस वाली, मारुति 800 की कीमत और डीजल की किफ़ायती दर पर चलने वाली होगी। जैसे एक वक्त जमशेद जी टाटा के सपने को सबने नकारा था, वैसे ही रतन टाटा की बात पर सब हंसे कि भारत अपनी कार बना सकता है। पर रतन टाटा ने सबको गलत साबित किया और टाटा इंडिका बनवा कर ही दम ली, जिसके नाम में ही भारतीयता की पूरी झलक थी। रतन ने इंडिका बनाने का काम सौंपा था अपनी कंपनी के पुणे स्थित इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के इंजीनियर्स को। काम आसान नहीं था, वो भी ऐसी कंपनी के लिए जिसने पहले कभी कार नहीं बनाई थी। फिर इसका डिज़ाइन भी ऐसा रखना था कि रतन टाटा का वो चैलेंज पूरा हो सके कि इसमें एक भारतीय परिवार के लिए पर्याप्त जगह होगी। इसका ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन सब इन्हीं इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया। फिर जब फाइनली ये कार तैयार हुई तो कार के धंधे से जुड़ा हर व्यक्ति और भारतीय इसे देखता रह गया। खैर, ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। कार बनाने के लिए चाहिए होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो उस वक्त था नहीं। एक नए प्लांट के लिए चाहिए थे $2 बिलियन, जितना टाटा के लिए इन्वेस्ट करना उस वक्त मुमकिन नहीं था। यहाँ फिर चला रतन टाटा का दिमाग। उन्होंने दुनिया भर में तलाश शुरू की और उनके हाथ लगा ऑस्ट्रेलिया में बंद पड़ा निसान का एक प्लांट। टाटा के इंजीनियर वहाँ पहुँचे और पूरा सामान खोल खाल सही सलामत समंदर के रास्ते पुणे ले आए और यहाँ पूरा प्लांट लगा डाला। ये काम मात्र 6 महीने में हो गया, वो भी नए प्लांट की लागत के मुकाबले सिर्फ 20% खर्च पर। 1998 वो साल था जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, खूब बुकिंग हुई, खूब बिकी, मगर कुछ समय बाद शिकायतें भी आना शुरू हो गईं। देश से लेकर विदेशी कंपनियां हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गईं। एक बार फिर रतन टाटा दीवार बनके अपनी कंपनी के आगे खड़े हो गए। कंपनी को सभी खामियां दूर करने के लिए मोटिवेट किया। 2001 में इंडिका फिर से लॉन्च हुई, नए नाम और नई पंचलाइन के साथ। इंडिका V2 नाम और पंचलाइन थी इवन मोर कार पर कार। जिस कार और कंपनी से लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे, एक बार फिर वो छा गई। ये गाड़ी रिलॉन्चिंग के बाद इतनी बिकी कि उस वक्त ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई और 18 महीने के अंदर ही 1,00,000 गाड़ियाँ बिक गईं। BBC व्हील्स प्रोग्राम ने इसे 3 से 5 लाख कैटेगरी वाली कार में बेस्ट कार घोषित किया। एक बार रतन टाटा से ये सवाल पूछा भी गया कि उन्होंने आखिर ये भारतीय कार बनाने का जोखिम भरा फैसला क्यों लिया, तो रतन जवाब में बोले, मुझे दृढ़ विश्वास था कि हमारे इंजीनियर जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकते हैं, हमारी अपनी कार भी बना सकते हैं। और जब हमने चुनौती स्वीकार की तो हम बाहर गए और देश दुनिया में जहां भी विशेषज्ञता थी उसे प्राप्त किया। तभी तो इस कार से में जो कुछ भी था वो हमारा था। इसीलिए मेरे लिए इंडिका एक राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर गजब का एहसास था। रतन टाटा की यही खूबी उनको सबसे अलग बनाती है। फिर जैसा वो कहते भी थे, सबसे बड़ा जोखिम जोखिम नहीं उठाना है। इंडिका को बनवाना इसका बेहतरीन उदाहरण था। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।